गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पे। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। आज हम कर रहे हैं आपका हिस्ट्री का सेशन, तो प्लीज़ जितना हो सकता है सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके आगे, देखिए आज मैं प्रीवियस पेपर्स को लाई, ठीक है। तो इस प्रीवियस पेपर्स में क्या क्वेश्चंस आते हैं उनको देखेंगे। हड़प्पन वेपन्स वर मेड ऑफ, कई बार जैसे टॉपिक्स का भी थोड़ा टाइम उस पर चल रहा है तो वो भी आपको टॉपिक वाइज में मिलेगा। जैसे टाइम सेट, जैसे ही हमारी फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस को कंपाइल करना शुरू करेंगे तो आपको इस पर टॉपिक्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हड़प्पन वेपन्स वर मेड ऑफ, हड़प्पन के वेपन्स, देखिए आपको पता है हड़प्पन संस्कृति 1921 में आई थी और दयाराम साहनी ने की थी, ठीक है। हमने पढ़ा है ये टॉपिक, आप प्लेलिस्ट में हड़प्पन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। इसको सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते थे। ये किसका पार्ट था? इंडस सिविलाइजेशन, जो कि 2500 से 1750 तक चली थी। दो साइट्स थी, एक थी 1921 और एक थी 1922, जो कि कब आई थी? महान जोधड़ो के की थी, आर डी बनर्जी ने। अब उस टाइम पे हड़प्पन संस्कृति के टाइम पे किस चीज़ को ब्रॉन्ज एज कहा जाता है? तो कॉपर तो था ही, तो किसके बोला ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। जो इसके वेपन्स थे वो किसके थे? कॉपर के थे। ज़्यादातर किसके थे? कॉपर के थे। इसमें ये याद रखना, कॉपर एंड स्टोन दोनों के थे। वैसे तो कॉपर के भी थे, स्टोन के भी थे, और ज़्यादातर इसमें जो एक्सेप्ट स्टोन का क्या मिलता था? मेस, ठीक है, मेस बनाया जाता था। बाकी सारे वेपन्स जो थे वो कॉपर के थे। इसमें जो स्टैम्प्स लगती थी ना, उसमें स्टेयरटाइट मेटल, जो इसकी सील्स थी ना उसके लिए स्टेयरटाइट यूज होता था। इनके जो देव थे वो कौन थे? पशुपति देव, ठीक है। ये एक ऐसी आमड़ी, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे जो है राइनो के अवशेष मिले। लॉयन जो था इस मतलब इस संस्कृति में जो था लॉयन एनिमल, लोगों को नहीं पता था। कॉटन का जो एक्सपोर्ट किया जाता था उसको बोला जाता था सिंदूरी, ठीक है। सुमात्रा के साथ ये जो है एक्सपोर्ट करते थे आपके, ये याद रखना। वीट एंड बार्ले जो है, क्वेश्चन ये भी आता है कि वीट और बार्ले जो है इनका मेन फूड था, ठीक है। द फेमस ग्रामेरियन पाणिनी हेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से जो आपके पाणिनी है जिसने संस्कृत ग्रामर लिखी है, पाणिनी की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनी ने। तो वो कहाँ के थे? गंधार, कंपोज और आपके कहाँ के थे? वत्सा या अवंती। देखिए अवंती की कैपिटल थी उज्जैन, वत्सा की थी कौसंबी, वत्स की, कंबोजा की थी हटाका और गंधार की कैपिटल थी तक्षशिला, महाजनपद जो थे। तो इसमें जो था ये कहाँ के थे? कंबोज के थे, जिसकी कैपिटल क्या थी? हटाका या फिर राजापुरा, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय, अनुव्रत किसके द्वारा? हीनयान, महायान, जैनिज्म। हीनयान, हीनयान को बोलते हैं आप लेसर वेलकम, हीन मतलब कम वाले, जो सिर्फ किस पे बुद्धिज्म किस पे बोलते थे? मेडिटेशंस पे, कि मेडिटेशंस के थ्रू जो हम सालवेशन ले सकते हैं। ये फॉलो करते थे आपकी पाली लैंग्वेज, ठीक है। महायान ग्रेटर वेलकम, ग्रेटर व्हीकल, जिसमें जो है सालवेशन आइडल वर्शिप के थ्रू, मूर्ति पूजा पे बिलीव करते थे। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी? संस्कृत। तो इसका मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, नन ऑफ द अबव तो होगा नहीं। तो आंसर इज जैनिज्म। आंसर क्या है आपका? जैनिज्म। अनुव्रत, जो आइस, जो किसी चीज़ को बिलीव नहीं करते थे, जो अपने बेसिस पे चलते थे, ठीक है। अगर हम जैनिज्म का भी देखें तो 540 BC में इनका कुंडवरम में जो है जन्म हुआ था, इनकी जो एयर्स, और 498 में इनकी डेथ हो गई थी, 72। अगर देखा जाए कैवेलियन जो है, इन्होंने 42 ईयर्स की एज में कैवेलियन प्राप्त किया था। इनके जो मेन ऑर्डिनेंसेस थे वो थे असत्य, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ये इसके जो थे पांच थे। और ये कौन सा तीर्थंकर था? ये 24th तीर्थंकर था। पहला ऋषभ था और 23rd थे पार्श्वनाथ, ठीक है। विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका प्रोवाइड्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द हॉरर्स ऑफ द कलिंग। आपको पता है अशोका का जो था कलिंगा वॉर 261 में हुई, जिसकी वजह से वो धमा में चेंज हो गया था, धम घोष, उसका पूरा परिवर्तन हो गया था। वो किस में था?
इसको बोलते हैं कांधार इंस्क्रिप्शन, कांधार, ठीक है। 16 इनकी मेजर जो थे रॉक एडिक्ट, जिसमें से 9 मेजर रॉक एडिक्ट थे, 13। तो जो 13 है इसमें बताया गया है आपका हॉरर्स ऑफ कलिंगा, एडिक्ट्स ऑफ जादूगौड़ा और ढोली ढोड़ी और निस्सा में है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अर्ली मिडिवल इंडिया व्हाट डिड द टर्म जीतल रेफर्स टू। मिडिवल इंडिया में यानी विजयनगर एम्पायर में, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो टर्म जीतल थी उसको बोलते थे कॉइन। क्या बोलते थे? कॉइन। किसके टाइम पे? विजयनगर एम्पायर के टाइम पे, विजयनगर, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे जो है कॉइन जो था वो जीतल था। तो ये याद रखना कि विजयनगर के टाइम पे जो है आपका जीतल, वैसे देखा जाए इल्तुतमिश ने भी आपके जीतल और टंका यूज़ किया था, जीतल और टंका, टंका फॉर सिल्वर और जीतल फॉर कॉपर। विच ऑफ द फॉलोइंग चालुक्य सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। सिटी ऑफ टेम्पल्स किसे कहा जाता है? देखिए, चालुक्य जो थे वो बादामी के रूलर थे। बादामी का रूलर कौन था? पुलकेशिन, जिसने किसको हराया था? पुलकेशिन टू ने हर्षवर्धन को हराया था, और पुलकेशिन को हराया था नरसिंहवर्मा ने, ठीक है। तो जो ए हॉल इंस्क्रिप्शन थी वो इसके टाइम पे लिखी गई थी, इसका जो पॉइंट था दैट इज रवि कीर्ति। तो पट्टाडकल, पट्टाडकल जो है ये किसको कहा जाता है? ये पट्टाडकल जो है दैट इज सिटी ऑफ कॉर्नेशन। इसको क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ कॉर्नेशन, ठीक है। विनाया आदित्य, विनाया आदित्य ने बनाया था इसको, ठीक है, विनाया आदित्य ने, ठीक है। तो ये नहीं है। कन्हेरी, कन्हेरी जो है इसमें मैं बता दूं ब्लैक माउंटेन्स के लिए फेमस है ये, ब्लैक माउंटेन्स के लिए, ठीक है। तो आंसर इज ए होल। ए होल जो है इसको बोलते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स। जो ए होल इंस्क्रिप्शन थी वो किसने, किसके टाइम पे आई थी? पुलकेशिन टू और रवि कीर्ति ने बनाई थी। मलिक काफूर वॉज द जनरल ऑफ बलबन। बलबन ने दीवाने अर्च 40 ख़त्म कर दिया, सिजदा और पेबोज की प्रथा शुरू की, ठीक है। और इसने जो है दीवाने अर्श शुरू किया था। इल्तुतमिश के टाइम पे मंगोल्स आए थे, कॉपर एंड जीतल, सिल्वर और टंका के जो सिक्के थे, इन्होंने टंका और जीतल के सिक्के चलाए थे मंगोल्स। कुतुब मीनार कंप्लीट किया था, 40 प्रथा इन्होंने शुरू की थी। तो ये नहीं है। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो थे इन्होंने यमुना कैनाल बनाई, हिमाचल पे भी लूटपाट की, इन्होंने हॉस्पिटल्स के लिए टैक्स, वाटर टैक्स इनका जो मेजर था वो उस पर वाटर टैक्स लगाया गया। दीवाने रियात, लड़कियों के लिए जो है अच्छे से अच्छा सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए गए। तो ये नहीं है आंसर। वैसे मलिक काफूर किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। ये किसके जनरल थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मंगोल्स को, मंगोल्स ने कब अटैक किया था? इल्तुतमिश के टाइम। और हराया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कब हराया था? मंगोल सीरी को उस टाइम पे कैपिटल बनाया था। मार्केट रेगुलेटरी सिस्टम्स इन्होंने चलाए थे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज नॉट कंपोजिट और इंडो इस्लामिक इन ओरिजिन। इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंडो इस्लामिक नहीं था? सितार, तबला, सारंगी या शहनाई। तो आंसर इज शहनाई, सिरंगी नहीं, तबला नहीं, ये सारे इंडो इस्लामिक थे, सिर्फ शहनाई जो थी वो नहीं थी। भक्त तुकाराम वॉज द कंटेम्प्ररी ऑफ मुगल एम्परर। जो भक्त तुकाराम थे वो किसके कंटेम्प्ररी थे? तो ये जो थे आपके, आपके औरंगजेब, नहीं, औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया, इसको जो है जिंदा पीर भी बोलते हैं। मराठास के लिए जो है शिवाजी के खिलाफ कई बार इन्होंने जो है एक्सपीडिशंस को भेजा था, ठीक है। शाहजहां, मोती महल इन आगरा जो था वो शाहजहां ने बनाया, ताजमहल शाहजहां ने बनाया, ठीक है। तो ये नहीं है। बाबर, बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी, पहला बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने, बैटल ऑफ खनवा मेदनी इन्होंने खेली। जहांगीर, ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? ये थे जहांगीर के कंटेम्प्रेरी थे भक्त तुकाराम, ठीक है। ये कौन थे आपके? और ये सबसे ज्यादा किसको मानते थे? लॉर्ड कृष्णा को, इसको मानते थे, कृष्णा कल्ट के थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभव एंड एपिक पोइम वॉज रिटन इन
एपिक पोइम जो है ये किसने लिखी है आपकी। ठीक है, तो अगर देखा जाए बाणभट्ट ने हरिश्चंद्र, पृथ्वीराज रासो चांदबरदाई, हरिसेन ने आंसर इज कालिदास। कालिदास ने लिखी कुमार संभव, अभी ज्ञानम शकुंतलम भी कालिदास ने लिखी है, सॉरी कुमार संभव कालिदास ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका हु वॉज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी। शिवाजी के सक्सेसर कौन थे, रामाराज, साहू या सांभाजी। तो देखिए शिवाजी रायगढ़ एक्सपीडिशन, फिर पुणे की जागीर इनको मिली थी, छत्रपति की उपाधि इन्होंने इन्होंने अष्ट प्रधान जो होता है ना, अष्ट प्रधान गवर्नमेंट जो थी इन्होंने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद जो आपका ये था शिवाजी, शिवाजी जो थे इन्होंने पूना ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो किसके बीच में हुई थी, जय सिंह के बीच में हुई थी, ये भी याद रखना। तो कौन बने थे, साहू या फिर शांबाजी या फिर आपके साहू, साहू तो नहीं बने थे। ठीक है, रामा राजा भी नहीं बने थे, रामा राजा की जीतरी जीरी, ठीक है यहाँ पे चले गए थे ये जो रामा राजा थे, विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स जिंजी, जब मुगल्स ने अटैक किया ये जिंजी में चले गए, और ये कहाँ पे मरे थे, सतारा में मरे थे। तो ये नहीं है साहू जी, नहीं साहू जी वॉज द सन ऑफ सांभाजी, सांभाजी जो थे ये बने थे आपके सक्सेसर ऑफ शिवाजी। तो शिवाजी का सक्सेसर कौन था, सांभाजी, जिसने किसको, औरंगजेब का जो सबसे खूंखार बेटा था ना अकबर टू, उसको बचाते थे, उसको सपोर्ट करते थे, उनको बचाते थे, तो सांभाजी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, पहला फोर्ट पहला किला ब्रिटिशर्स द्वारा कौन सा बनाया, फोर्ट सेंट डेविड, नहीं फॉरेस्ट आपका जो आपका ये है फोर्ट सेंट जॉर्ज, नहीं एंगेलो, नहीं फोर्ट विलियम, विलियम फोर्ट जो था ये बनाया, ये कहाँ पे बनाया है, चेन्नई में। ठीक है, आंसर इज चेन्नई, कब बनाया, 1689। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल, रॉबर्ट क्लाइव वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बना, उस एक्ट के बाद जो है गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया, तो वॉरेन हेस्टिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, विलियम बेंटिक 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, तब विलियम बेंटिक बने। विलियम बेंटिक के टाइम पे क्या क्या हुआ था, विलियम बेंटिक ने सप्रेशन ऑफ ठग्स, ठीक है फ्रेंटिसाइड्स इन्होंने ख़त्म किए, तो ये जो थे विलियम, इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन कहा जाता है, मैकाले मिनट से इंग्लिश को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया जो था कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज विलियम बेंटिक। नेक्स्ट आता है द लास्ट मेजर ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, किसके समय के दौरान ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम मेजर था, डफरिन, डफरिन के टाइम पे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, लॉर्ड लेयर्टन के टाइम पे 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बना, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बना 1904 में, ये अभी पेपर में आया था, 1905 में बंगाल विभाजन, तो ये नहीं था, आंसर इज लॉर्ड डलहौजी, जिसने 1853 में बॉम्बे टू थाने पोस्टल सर्विसेज इसने शुरू की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने शुरू की जिसके तहत कई स्टेट जैसे सबसे पहले सतारा, फिर संभालपुर, फिर झांसी, फिर अवध, नागपुर, ये सारी जो थी ब्रिटिश के कब्जे में आ गई थी। वेयर वॉज द थियोसॉफिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो कहाँ पे थी, यूएसए, यूके, आपका जो है यूएसएसआर या इंडिया। देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी वो यूके में बनी थी आपकी, और 1875 में, जिसको आपको क्या कहा जाता है, ब्लेविट्स्काय ने बनाई थी, ब्लेविट्स्काय और ऑलकट ने बनाई थी, और ये जो है आपकी कहाँ पे 19 और 1882 में इसको अडियर में बनाया गया था। ठीक है,
ये कहाँ बनी थी? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क, ठीक है, ये कहाँ बनी थी आपकी? न्यूयॉर्क में बनी थी, तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में बनी थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? डायार्की वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, डायार्की जो है ये कहाँ पे, डायार्की किसने इंट्रोड्यूस की है? अडियर, एक और चीज़ है, थियोसॉफिकल सोसाइटी से इंडिया से किसने रिप्रेजेंट किया था? पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि किसने रिप्रेजेंट किया था आपका, तो इंडिया से एनी बेसेंट। वैसे किसने था आपका, जो कहते हैं कि आपका ब्लेविट्स्काय जो था, ये था आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का फाउंडर, जिसने ऑलकट और आपका जो ब्लेविट्स्काय एंड ऑलकट 1875 में किया था, ये किस स्टेट में थे? यूएसए में था, यूके में था, यूएसएसआर में था, या इंडिया में था? तो ये जो था ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है या फिर आपका उस पे है, यूएसएसआर में? देखिए, यूएसएसआर जो है ये रशिया है, सोवियत यूनियन जो कि अब टूट चुका है, और ये है रशिया में, ठीक है। उसके बाद जो है इंडिया, इंडिया में, तो इंडिया में होम रूल लीग पार्टी बनी थी जो कि तिलक ने बनाई थी 1917 में, और ये जो है आपका 1916 में, आपकी 1917 में बनी थी, 16 में बनी, 16 के बाद अडियर ने जो आपकी कौन थे ये, एनी बेसेंट, इसने अडियर में बनाई थी, ठीक है। तो आपकी यूके, तो यूके नहीं है, आंसर इज यूएसए। आंसर क्या आएगा इसका? यूएसए, सॉरी, ये यूएसए होगा। और ये याद रखना, एनी बेसेंट भी जो थे इसको रिप्रेजेंट किया था, एनी बेसेंट, जिन्होंने भी, जिन्होंने बाद में बनाई थी, इन्होंने पहले बनाई थी होम रूल लीग, फिर एनी बेसेंट ने बनाई थी। डायार्की वॉज फर्स्ट ड्यूअल सिस्टम, जो खत्म कब हुआ था? गवर्नमेंट एक्ट 1935 में। तो ये किसने शुरू किया था, किसके अंदर आया? साइमन कमीशन आया था 1927 में, भारत पहुंचा था 1928, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ड्यूअल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया था, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स नहीं थे। आंसर इज आप मॉन्टफोर्ट या मॉन्टे मिले, तो मॉन्टे मिले नहीं थे, ये थे आपके मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, जहाँ पे आपके, जिसको बोलते हैं मॉन्टैग कैम्सफोर्ड, 1919। और इस कैंप्स फोर्ट के टाइम पे जलियांवाला कांड, रोल्ट एक्ट, ये सारी ट्रेजिडीज इसी के टाइम पे हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, हु वाज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? तो इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर, देखिए, बाल गंगाधर तिलक, ए ओ ह्यूम ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई, और इसका पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में, डब्ल्यू सी बनर्जी वॉज द प्रेजिडेंट। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट बनाई 1916 में, महाराष्ट्र पुणे में, पुणे में कौन सा है, महारथा, ठीक है, और आपका केसरी जो थे, इन्होंने जो है प्रॉपरली न्यूज़पेपर चलाए, मांडले इनको भेज दिया गया था। दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो थी ये किसने बनाई थी? 1866 में ये बनाई थी दादा भाई नरोजी ने, जिसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोला जाता है, फर्स्ट टू रिप्रेजेंट इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो पॉवर्टी और अनरेन थ्योरी नंदी, ये थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने जो है ये कब खोली थी? 1876 में, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट वर्ड यूज द वर्ड स्वराज्य? स्वराज्य किसने यूज़ किया था? राजा राम मोहन रॉय, फादर ऑफ रेनेसेंस, ब्रह्मो समाज, महात्मा गांधी, क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, स्वामी विवेकानंद, शिकागो में दी थी, और रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ। आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो है ये आपका यूज़ किया था वर्ड, और ये क्या था? स्वराज इज माई राइट, आई विल टेक इट। विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम वॉज नॉट सेटअप बाय द गांधी? फिनिक्स आश्रम, आपका टॉल्स्टॉय आश्रम, ये जो है आपके टॉल्स्टॉय, और सेवाग्राम या गांधी। तो ये जो आपका ये बनाया गया था ये किसने? देखिए, फिनिक्स ये भी आपका जो है साउथ अफ्रीका में बना, टॉल्स्टॉय भी साउथ अफ्रीका में, सेवाग्राम या गांधी आश्रम, तो सेवाग्राम भी जो है ये भी आपका साउथ अफ्रीका, सिर्फ गांधी आश्रम जो था वो गांधी ने नहीं बनाया, गांधी ने जो है सेवा आश्रम नहीं बनाया। नेक्स्ट आता है आपका,
बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन, बैटल ऑफ चौसा किसके बीच में खेली गई थी? तो बैटल ऑफ चौसा जो थी, अगर देखा जाए तो अकबर एंड हेमू के बीच में 1556 में हुआ था आपका बैट सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें अकबर को रिप्रेजेंट किया था बेराम खान ने। बाबर 1526 में आपकी बैटल ऑफ पानीपत हुई। तो ये नहीं है आंसर, है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। वेन वॉज माओ कॉलेज एट अलीगढ़ ओपन बाय सर सैयद अहमद? देखिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो थी वो कब बनी थी? 1920 में। ठीक है, तो 1920 में तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनी। माओ कॉलेज यानी मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था ये कब बना था? 1875 में। कब बना था? किसने बनाया था? सर सैयद अहमद, जिसको बाद में 1920 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दी। 1890 नहीं था, ठीक है। 1919 में आपके डायरकी सिस्टम, आपके मॉन्ट जो इंडियन एक्ट था आपका 1919 वाला, माउंट कैम्सफोर्ड एक्ट, रोल टैक्स, जलियांवाला कांड जो था ये इस टाइम पे हुआ था। नालिनी पोइम वॉज रिटन बाय दैट इज कुमार आसम, दिस इज द मलयालम पोइम। क्या थी ये? मलयालम पोइम। द रिवोल्ट ऑफ ओरोन्स वॉज हेडेड बाय जोरिया जगत, जात्रा भगत, किसान भगत या बुद्धा भगत? तो दीज आर द जात्रा भगत। अनुशीलम स्मृति वॉज द सेक्रेटरी रिवोल्यूशनरी सोसाइटी इन बंगाल, वॉज ऑर्गेनाइज बाय जतिन दास, पी मित्र, आपका बटुकेश्वर दत्त या अश्वनी कुमार दत्त? तो जो अनुशीलन सोसाइटी है आपकी, एक तरह से बंगाल में गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी जो थी वो बनी थी। तो ये कब बनी थी आपकी? अनुशीलन जो थी आपकी ये कब बनी थी? बटुकेश्वर दत्त और आपकी जतिन दास या पी मित्र या फिर बटुकेश्वर दत्त? तो इसका आएगा आंसर, देखिए पी मित्र आपका, या फिर आपका जो था जतिन दास, या आपका ये बनी थी 1905 में जतिन दास ने बनाई थी, या बटुकेश्वर दत्त? तो ये बनी थी आपकी जतिन दास ने। ये किसने बनाई थी आपकी? जतिन दास ने, ठीक है। 1905 में बनी थी जतिन दास। तो ये थे मेरे आज के क्वेश्चंस। अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लेना, या कोई भी डाउट होगा लिख देना, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगी। और अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड जरूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता और टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल लेट्स लर्न विद मी। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड आपका सपोर्ट दैट इज़ द मोस्ट प्रायर थिंग फॉर मी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। रात का सेशन 8 बजे का सेशन जरूर देखना डिस्टिक से रिलेटेड।